नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार पॉइंट हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो है फॉग लैंप के ऊपर। दोस्तों, आप जब अपनी कार में फॉग लैंप लगवाने की सोचते हैं तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन मतलब कि कौन सी कंपनी का फॉग लैंप लगवाऊँ, किस तरह का फॉग लैंप लगवाऊँ, कैसा फॉग लैंप लगवाऊँ, क्योंकि मार्केट में आजकल क्या है, बहुत सारे तरह के फॉग लैंप मिलने लगे हैं। ज़्यादा चाइनीस जो फॉग लैंप है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि एलईडी वाले होते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है दोस्तों इसको लेके कई मित्रों के बीच में। और जो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था फॉग लैंप के बारे में, जिसमें मैंने वायरिंग के बारे में बताया था, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हमें फॉग लैंप बताइए कि कौन से फॉग लैंप हमें अपनी कार में लगवाने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो फॉग लैंप के ऊपर ही बनाते हैं और बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा फॉग लैंप आपकी कार के लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉग लैंप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉग लैंप होता है वो एक नॉर्मल फॉग लैंप होता है, जो आप जानते हैं, जिसमें एक हैलोजन बल्ब लगा होता है। ठीक है, जो हैलोजन बल्ब वाला जो फॉग लैंप होता है और वो नॉर्मल ग्लास होता है जिसके ऊपर, वो नॉर्मल फॉग लैंप कहलाता है, जो आप ज़्यादातर कारों में देखते हैं। सेकेंड जो आता है दोस्तों वो है प्रोजेक्टर फॉग लैंप। ठीक है, जो प्रोजेक्टर वाला फॉग लैंप है उसमें क्या होता है, फॉग लैंप वही होता है लेकिन उसके आगे जो ग्लास होता है उसमें एक लेंस फिट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो उसका फोकस है, लाइट का जो फोकस होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, तो एक होता है हमारा नॉर्मल फॉग लैंप और दूसरा होता है प्रोजेक्टर वाला फॉग लैंप। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग तरह के बल्ब आते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल येलो रोशनी वाला बल्ब आता है जिसे हम हैलोजन बल्ब कहते हैं, और दूसरा होता है हम इसमें एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं। और जो तीसरा फॉग लैंप है दोस्तों वो है एलईडी फॉग लैंप। तो एलईडी जो फॉग लैंप है उसमें भी दो तरह के आते हैं, एक तो जो नॉर्मल फॉग लैंप होता है उसी में एलईडी बल्ब लगा होता है, दूसरा होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, छोटे छोटे कई एलईडी बल्ब लगे होते हैं। तो एलईडी बल्ब जो होते हैं वो छोटे छोटे, और एक नॉर्मल वाला जो फॉग लैंप होता है उसी में एलईडी फिट कर दी जाती है। ठीक है, एलईडी बल्ब फिट कर दिया जाता है, तो इस तरह के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात आती है ग्लास की। तो ग्लास जो होता है वो नॉर्मली सिंपल और ट्रांसपेरेंट चलता है, आप जानते हैं सब में, चाहे प्रोजेक्टर वाला हो चाहे जो नॉर्मल हेलोजन वाला होता है उसमें जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कोहरा ज़्यादा पड़ता है, स्पेशली अपने कश्मीर साइड देख लो, हिमाचल साइड देख ले, तो वहाँ पर जो फॉग लैंप होते हैं उनके जो ग्लास होते हैं वो येलो होते हैं, क्योंकि कोहरे में विजिबिलिटी येलो ग्लास लगाने से और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, मैं पूरी बात इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इन जगहों से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कौन से फॉग लैंप ठीक रहेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मैंने आपको बताया, येलो वाले जो फॉग लैंप होते हैं उससे विजिबिलिटी कोहरे में और बारिश में आपको अच्छी मिलेगी, जो येलो ग्लास वाले होते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए, अगर आपको नॉर्मल वेदर में इसको यूज करना है तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा येलो रोशनी करते हैं ये। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा फॉग लैंप अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नॉर्मल वाले फॉग लैंप के बारे में। जो नॉर्मल फॉग लैंप होता है दोस्तों ये आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, और एलईडी जो नॉर्मल वाला फॉग लैंप होता है वो भी सस्ता मिल जाएगा, लगभग दोनों ही जो प्राइस है दोनों की ही वो सेम होगी, लेकिन इसकी रोशनी जो होती है दोस्तों कुछ ज़्यादा फैल जाती है। जो नॉर्मल फॉग लैंप होते हैं इसमें नॉर्मल हैलोजन बल्ब होता है, इसकी रोशनी क्या होती है, फैल के सामने पड़ती है, मतलब कि जो रोड पर विजिबिलिटी चाहिए होती है, जितनी हमें चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती। हालांकि पावर काफ़ी कंज्यूम करता है ये, क्योंकि हैलोजन बल्ब है, लेकिन उसका जो आउटपुट है हमें जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे पूरा नहीं मिल पाता है। तो इस जो फॉग लैंप की कमी होती है नॉर्मल वाले की, ये होती है कि इसकी जो लाइट है वो फोकस एक जगह ना पड़ते हुए फेल कर पड़ता है, चारों तरफ फेल जाता है। और जो एलईडी वाला है दोस्तों, इसका फोकस जो है वो भी इसी की तरह होता है, लेकिन ब्राइटनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी इसमें, यानी कि विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। अब विजिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि कोहरे में और रेनी सीजन में आपको विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल पाती इससे, मतलब 50% से भी कम हो जाती है, 25-30% विजिबिलिटी रह जाती है कोहरे और रेनी सीजन में। तो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि अगर आप एलईडी वाले फॉग लैंप लगवाते हैं तो नॉर्मल वेदर कंडीशन में तो बढ़िया है, लेकिन सर्दी और बारिश के मौसम में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, इनको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात आती है दोस्तों प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप की। तो
तो जो प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप होते हैं वो नॉर्मल ही फॉग लैंप होते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मल ग्लास की जगह एक लेंस लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो बल्ब की रोशनी उस पर पड़ती है तो जो लेंस है उसको काफ़ी लंबी दूरी तक भेजता है, और इसका फोकस जो होता है वो ज़्यादा फैलता नहीं है, मतलब कि आपको जो रोड है उस पर क्लियर व्यू मिलेगा इससे। तो जो प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप होते हैं दोस्तों, उनकी रोशनी काफ़ी दूर तक जाती है और एक फोकस के रूप में जाती है, मतलब कि ज़्यादा फैलती नहीं है, इससे हमें क्या विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। और आप चाहें तो एलईडी बल्ब भी इसमें लगवा सकते हैं, ठीक है, इसमें हैलोजन बल्ब का भी यूज कर सकते हैं और एलईडी का भी, लेकिन एलईडी की प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपको बता दी कि रेनी सीजन और विंटर सीजन में आपको विजिबिलिटी ठीक से नहीं मिल पाएगी। तो बात केवल यह है कि जो नॉर्मल फॉग लैंप है उसकी जगह इसमें एक आगे लेंस लगाया गया, जिससे इसकी जो ब्राइटनेस है, जो रेंज है, वो काफ़ी बढ़ जाती है और जो रोशनी है वो एक जगह फोकस होके पड़ती है, ना कि फैल के। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो फॉग लैंप है वो तो हमने समझ लिए कि किस तरह के कौन से होते हैं और किसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, लेकिन इसमें जो बल्ब यूज करना है आपको वो कौन से करने हैं, हाई बीम वाले करने हैं या लो बीम वाले करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा फॉग लैंप में लो बीम वाले बल्ब को यूज कीजिए आप, क्योंकि दोस्तों जो फॉग लैंप का काम होता है वो क्या होता है, रोड पर विजिबिलिटी देना, मतलब कि नीचे की साइड विजिबिलिटी देना, ना कि लंबी दूरी तक विजिबिलिटी देना। लंबी दूरी के लिए हमें हमारी जो हेडलाइट है उसमें हाई बीम का फ्यूजन दिया गया है, ठीक है। तो नीचे जो रोड पे गड्ढे या और भी कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें क्लियर रात में दिखें, इसलिए हम फॉग लैंप का यूज करते हैं। और जो बारिश और कोहरे के समय क्या होता है दोस्तों कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, उसमें भी हमारी ये हेल्प करते हैं रोड पर क्लियर व्यू देने में। तो हमेशा आपको जो बल्ब है इसमें वो लो बीम वाला यूज करना है, ना कि हाई बीम वाला। हाई बीम के लिए हमारी कार की जो हेडलाइट है उसको यूज करें। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉग लैंप आपको किस तरह का यूज करना है। और मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो दोस्तों, मैंने जब कार परचेस की थी तभी मैंने प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप इंस्टॉल करवाए थे, जो कि हेला कंपनी के थे और 4,000 रुपये के इंस्टॉल करके मुझे पड़े थे, और उनका प्राइस अब काफ़ी कम हो गया है और उनका अभी भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, मतलब कि उसकी जो विजिबिलिटी है, मैं अपनी कार की हेडलाइट भी बंद कर दूं तो उसकी रोशनी में अपनी कार को चला सकता हूं, इतनी अच्छी विजिबिलिटी मुझे मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों आप मेरी बात को ही पूरा सच माने, आप खुद भी चेक कीजिए जब आप परचेस करने जाएँ तो आप खुद ही देखिए कि जो प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप होते हैं और जो नॉर्मल फॉग लैंप होते हैं उनकी रोशनी में कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।